ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग सेंटेंस को किस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए, रूल्स ये, असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना। असर्टिव सेंटेंस से इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंसेस की सहायक क्रिया यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट आदि को वाक्यों में सबसे पहले आते हैं यानी सबसे पहले लिखते हैं। किसको? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, क्लियर है। फिर दूसरा समझिएगा आप, असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है, कैसा है, अफर्मेटिव है, तो उसको इंटरोगेटिव में बदलने पर नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या हो जाता है उसका? नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। कब? जब वो असर्टिव हो। जैसे देखो ये रहा असर्टिव सेंटेंस है, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोइट। तो इसको हमें क्या करना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज है। तो सबसे पहले हमने वॉज लिख लिया, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? टैगोर। टैगोर लिख लिया। अब उस वाक्य में जो ऊपर लिखा हुआ है असर्टिव, उसमें नॉट नहीं आया है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। फिर अ ग्रेट पोइट, वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोइट? क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? ऐसे ही जिस वाक्य में, देखो जिस वाक्य में नॉट दे रखा है, चलिए उसमें नॉट हमें हटा देना है। बस क्या करना है, देखिए, यू कैन नॉट विन दिस मैच, तो इसको इंटरोगेटिव में बदलिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। कैन, फिर सब्जेक्ट है यू, कैन यू, जो नॉट है वो इसमें आ रखा है इसलिए इसमें नहीं लगाएंगे। कैन यू बिन दिस मैच, क्या आप इस मैच को जीत सकते हो? लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। आगे देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यदि हमारा असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव बनाते समय वो नेगेटिव का साइन हट जाएगा, यानी नेगेटिव का जो वर्ड आया उसको हटा देंगे, नॉट आया तो नॉट को हटा देंगे। जैसे देखिए, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तो इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल, वह का क्या हो जाएगा? ही। नेवर का क्या होता है? नेवर नेगेटिव है, तो इसको अफर्मेटिव में बनाए। नेवर क्या होता है? ऑलवेज। विल ही ऑलवेज, या फिर दूसरा वर्ड भी है इसी का, एवर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऑलवेज या एवर लगाएंगे नेवर की जगह। विल ही ऑलवेज या फिर एवर फॉरगेट, दोनों में से एक ही यूज करना है आपको, फॉरगेट माई काइंडनेस। माई काइंडनेस, लास्ट में क्या आया? क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? अब देखिए, ये नो वन नोज यू, नो वन यानी कोई नहीं जानता आपको, क्या आपको कोई जानता है? यही तो होगा। टेंस कौन सा है आपका? ऐसी आ रहा है, तो आपने पता लगा लिया कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नो वन यानी कोई नहीं, तो नो वन की जगह क्या लगा देंगे? एनी वन। तो सबसे पहले आएगा डज, नो वन क्या हो जाएगी? एनी वन नो यू, फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू के साथ। डज एनी वन नो यू, क्या आपको कोई जानता है? ऊपर क्या था? आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है, वो नेगेटिव था, ये इंटरोगेटिव में अफर्मेटिव है। समझिए, असर्टिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पर हु का प्रयोग हो, एवरीबडी हो, क्या सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो? एवरीबडी, तो उसके स्थान पर क्या करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, तो प्रत्येक
महान बनना चाहता है तो कौन महान बनना नहीं चाहता, तो एवरीबडी की जगह क्या आ जाएगा, हु, हु डज नॉट, डज नॉट आ रहा है समय आपके में हु के साथ, एवरीबडी की जगह क्या आ गया हु, अभी अफर्मेटिव है तो इसको नेगेटिव में बदल लिया, हु डज नॉट लाइक हु बिकम ग्रेट। अब क्वेश्चन मार्क क्लियर है, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, क्लियर है दोस्तों। आगे देखो, और दूसरा नेम भी लगा सकते हैं इसको, ऐसे भी कर सकते हैं, डज नोबडी, एवरीबडी की जगह क्या लगा, तो नोबडी, डज नोबडी लाइक टू बिकम ग्रेट, बिकम क्या कोई महान बनना पसंद नहीं करता है, क्लियर है, या फिर माया आगे देखिए, माया आगे देखिए, रूल नंबर फाइव क्या कह रहा है आपका, कभी कभी असर्टिव में इंटरोगेटिव बनाते समय, क्या कभी कभी असर्टिव में इंटरोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ वाई से, व्हाट से, व्हेन या हाउ आदि से करते हैं, किससे करते हैं, व्हाट से, व्हेन से, हाउ से, आपने ऐसा पढ़ रखा है पिछली क्लासों में, देखिए, इज इट नो गुड टू हेल्प द पुअर, दिस पुअर मैन, तो इस व्यक्ति की सहायता करना क्या अच्छा है, तो व्हाट सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट लगाएंगे, व्हाट गुड इज इट, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प, ठीक है ना, दिस पुअर, या फिर इज, उसे भी कर सकते पुराने नियम से भी, इज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे सबसे पहले, इज इट नो नो इज इट एनी गुड, इज इट, या ऐसे भी रहेंगे, या ऐसे भी हो जाएगा, इज इट गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, ठीक है ना, इज इट गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, क्या इस गरीब आदमी की सहायता करना अच्छा है, ठीक है ना। आगे देखो, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनका वैभव कभी समाप्त नहीं हो सकता है, तो वैन कैन, वैन कैन देयर ग्लोरी जी ओ एल ओ आर भाई, वैन कैन देयर ग्लोरी फेड, इसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क, इतने सारे रूल्स हमने डिस्कस किए, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो समझ में